शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। हेलो चेतन, मैं तुम्हें ही फोन करने वाली थी। तुम्हारी बहन हसीना बहुत मुश्किल में पड़ गई है, उसे हमारी मदद की सख्त जरूरत है। क्यों क्यों नहीं सुनना उसके बारे में? माना उसने बहुत गलतियां की है, लेकिन बेटा आज वो मुश्किल में है। उसके पास पैसे नहीं है, उसके पति के पास काम नहीं है, वो पेट से है। हम उसकी मदद नहीं करेंगे तो कौन करेगा बेटा? चेतन चेतन मेरी बात तो सुनो। अरे तुम तो सुनने को ही तैयार नहीं हो। भाभी एक प्रॉब्लम थी, ये क्वेश्चन मुझे सॉल्व नहीं हो रहा, प्लीज इसे सॉल्व करने में मेरी हेल्प करेंगे क्या? मेरा सर बहुत दुख रहा है, मैं भी सोने ही जा रही थी, कल बता दूं ठीक है? अब तुम जाओ यहाँ से। सर दर्द की गोली ला दूं क्या? नहीं मैं ठीक हूँ, अब बस तुम जाओ यहाँ से। ये टी शर्ट तो गौरव की है ना, ये यहाँ क्या कर रही है? शायद मेरे इन कपड़ों में आ गई थी, इसलिए मैंने साइड में रखा है। शेफाली, गौरव तू? तू इन कपड़ों में? तेरे टी शर्ट कहाँ है? भाभी आप तो कह रही थी ये टी शर्ट आपके कपड़ों में आ गई। वो ये सब क्या चल रहा है? अरे कुछ नहीं चल रहा, तू अपने कमरे में जा, जा। जब कुछ चल ही नहीं रहा तो तू पर्दे के पीछे क्यों छुपा हुआ था? छी, तुझे शर्म नहीं आई ये सब करते हुए? रुक जा, अभी भैया को कॉल करके बताती हूँ। शेफाली शेफाली प्लीज शेफाली, मैं तुम्हारा के हाथ जोड़ती हूँ, ऐसा मत करो। तुम जो कहोगी मैं वो सब कर दूंगी, प्लीज। अब क्या होगा, कहीं शेफाली हमारा भांडा ना फोड़ दे। शेफाली शर्म नहीं आती तुम्हें? भाभी काम कर रही है, तुम मैगजीन पढ़ रही हो। अरे माँ मैंने तो भाभी को कहा ही था, लेकिन भाभी ने कहा खाली दिमाग शैतान का होता है और इन्हें बैठे बैठे बुरे बुरे ख्याल आते हैं, इसीलिए आज से घर का सारा काम भाभी जी करेंगी। सही कह रही हूँ ना मैं? हाँ माँ शेफाली सही कह रही है, मैंने ही कहा कि घर का सारा काम मैं करूंगी, आपका भी। सुन लिया माँ, अब मुझे बिल्कुल डिस्टर्ब मत करिएगा। अरे माँ जी मैं खोलती हूँ ना। हसीना तुम? अरे दीदी दीदी अंदर आइए। और दीदी मैंने आपको बहुत मिस किया। जी आइए आप भी। तू यहाँ क्या कर रही है? हाँ क्यों, ये मेरा घर नहीं है, अपनी माँ से मिलने आई हूँ। ये तेरा घर नहीं है, पापा से झगड़ा करके गई थी ना इस फटीचर से शादी करने के लिए, तो अब क्यों आई है यहाँ पे? देख गौरव मुझे झगड़ा नहीं करना, मैं पहले से बहुत परेशान हूँ। तूने काम ही वैसा किया है, तेरे सदमे की वजह से ना पापा की मौत हो गई, और मुझे पता है कि तू यहाँ पे पापा की प्रॉपर्टी में से हिस्सा लेने आई। माँ आपने इसे बताया नहीं कि इसे यहाँ से कुछ नहीं मिली। मैंने अगर अपनी पसंद की शादी करी तो क्या गलती करी?
सबको बता के की थी शादी, भागी नहीं थी। और तू अपने पापा की मौत का इल्जाम मेरे ऊपर मंड रहा है? क्यों? ताकि मुझे प्रॉपर्टी में हिस्सा ना मिले। मैं यहाँ पे अपना हक लेने आई हूँ, समझा? अपना हक, भीख नहीं मांग रही हूँ। चुपचाप यहाँ से चली जा, नहीं तो क्या? वरना गौरव, शर्म नहीं आती तुझे? बड़ी बहन है वो तेरी, कोई ऐसी बात करता है? अंदर जा, अंदर चला जा। माँ, मैं बात करती हूँ। कैसी हो माँ? आपने चेतन भैया से बात की? की थी। चेतन भी बिल्कुल गौरव जैसा कह रहा है। आप क्या कह रही हैं? बेटा मेरा क्या है, मैं तो सिर्फ समझा सकती हूँ। आखिर में वही होगा जो दोनों भाई चाहते हैं। दोनों फिर से यहाँ आ गए, मैं कसम से कह रहा हूँ, अगर हसीना थोड़ी देर और रुकी ना, उसे और उसके पति को दोनों को मैं बहुत पीटूंगा। वाह, अब बस यही बाकी रह गया कि तुम अब अपनी बड़ी दीदी पर हाथ उठाओगे। दीदी ने जो कुछ भी किया है खुलेआम किया है। जब सबकी रजामंदी नहीं मिली तब उन्होंने अपनी मनमानी की है, ना कि बंद दरवाजे के पीछे छुपकर रिश्तों की धज्जियां उड़ाई है, जैसे तुम और भाभी इस घर में कर रहे हो। देख शफाली, ये समय सही नहीं है ये सारी बातें करने का। तो ठीक है, तू बता दे कब करूं ये सारी बातें तुझसे। मैं भी चेतन भैया को बहुत कुछ बताना चाहती हूँ। ऐसे भी वो ऑफिस से वापस आ गए होंगे, उन्हें भी तो पता चले उनके पीठ पीछे तुम दोनों क्या गुल खिला रहे हो। शफाली प्लीज, शफाली। देख तू चाहती क्या है, सीधा सीधा बोल। दीदी को प्रॉपर्टी में हिस्सा मिलेगा या नहीं वो चेतन भैया डिसाइड करेंगे। चेतन भैया के वापस लौटने तक दीदी और जीजा जी यही इसी घर में रहेंगे। तू क्या बात कर रही है, पागल हो गई है? जो पता है ना दीदी प्रेग्नेंट है। प्रेग्नेंट है तो मैं क्या करूं? देख एक बात कान खोल कर सुन ले, दीदी के डिलीवरी होने तक दीदी और जीजा जी यही रहेंगे। मंजूर है तो ठीक, वरना मैं माँ और चेतन भैया को अभी सब कुछ बता दूंगी। अच्छा रुक जा, ठीक है रुकने देते, पर हिस्सेदारी की कोई भी बात नहीं करेगी, और जैसे ही उसकी डिलीवरी हो जाएगी वो यहाँ से चली जाएगी। मंजूर है? ठीक है चलो। अखिलेश रुको दीदी, कहाँ जा रही हो आप? ये घर जितना हमारा है उतना आपका भी है, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आप यहीं हमारे साथ रहेंगी। आइए जीजा जी, आप अंदर आइए। तुम जो अंदर कह रहे थे वो यहाँ भी कह सकते हो, तुम समझ रहे हो ना मैं क्या कह रही हूँ? जब तक हसीना की डिलीवरी नहीं हो जाती तब तक हसीना और अखिलेश यहाँ रह सकते। लीजिए हो गया ना, अब तो आइए अंदर, आइए आइए। वैसे भी आपका और मेरा तो डबल रिश्ता है, पहले आप मेरे टीचर थे अब आप मेरे जीजा जी हो गए। अच्छा वाह, मेरे एग्जाम्स भी पास आ रहे हैं, आप मुझे पढ़ा भी दीजिएगा। हाँ आइए चलिए अंदर। नहीं ये बैग मैं ले लेती हूँ। अरे जीजा जी आप तो कुछ खा ही नहीं रहे हैं, ये सब्जी लीजिए, ये सब्जी खास भाभी जी ने आपके लिए बनाई है ना भाभी जी? हाँ जी। अरे तुम कहाँ चले? मेरा पेट भर गया। हाँ तो थोड़ा मीठा खा के जाओ, दीदी ने तुम्हारे मनपसंद की खीर बनाई है।
मेरा मन नहीं हो रहा। अरे थोड़ा सा खा लो। भाभी आप ही बोलो ना, ये आजकल आप ही की बात सुनता है। खा लीजिए ना। ये अचानक गौरव और कशिश को क्या हो गया है? शिफाली की हर बात मान रहे हैं, ऐसा तो कभी नहीं हुआ है। जीजा जी खाना वाना खाकर क्या आप मुझे पढ़ा दीजिएगा? थैंक यू। देखो तुम्हें ये 40 नंबर का चैप्टर है ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक इसको क्लियर करना है, ओके? और हेलो कहाँ ध्यान है तुम्हारा? अभी मैंने जो बोला वो कुछ समझ में आया कि नहीं? अब बहुत अच्छे हैं। ये तुम 3 बार बोल चुकी हो, अभी ये बताओ क्या समझी तुम? हाँ समझ आया, आप बहुत ही ज्यादा अच्छे हैं। तुम नहीं समझोगी ना? यही तो समझ नहीं आ रहा कि दीदी से पहले मैंने आपसे प्यार किया था, फिर भी आपने मुझे छोड़कर दीदी से शादी कर ली। अब देखो शेफाली, उस समय तुम्हारी एज और मेरी एज में काफी गैप था, और मैं तुम्हारा टीचर भी था, तुम्हारी दीदी का नहीं। और ये तुम क्या पुरानी बातें लेके बैठ गई हो? चलो पढ़ाई पे ध्यान दो। आप लेकिन आपने दीदी को ही क्यों चुना? पढ़ाई हो रही है, जीजा साली में बातें हो रही है। वो एक्चुअली दी, मैं जीजा जी से यही पूछ रही थी कि जीजा जी ने आप में ऐसा क्या देख लिया जो उन्होंने आपसे शादी कर ली। हाँ अब तो तुम्हें अपने जीजा जी में ही सारे गुण नजर आएंगे। हाँ वो है ही इतने अच्छे। हाँ और हम है ही बेकार। चलो चाय ले लो। सॉरी थैंक यू। यही शर्ट रह गई थी क्या पहनने के लिए? कोई दूसरी शर्ट नहीं मिली? अरे ये एक ही शर्ट प्रेस करी हुई रखी थी। कब से कह रही हूँ कि अपने कपड़े सूटकेस से निकालकर अलमारी में रख लो, लेकिन नहीं, तुम्हें तो सुननी ही नहीं है। ना कभी सुनी थी ना कभी सुनेंगे। दीदी मैं कॉलेज जा रही थी। आप तूने नाश्ता किया? आप वही तो बोलने आई थी, आप ना जल्दी से प्लीज नाश्ता बना दो, मुझे बहुत भूख लगी हुई है। लाइए इसे मैं कर देती हूँ। चल तू सही वक्त पे आ गई, ये सिलाई कढ़ाई ना मेरे दिमाग में ही नहीं घुसती है। मैं हमेशा सही वक्त पर ही आती हूँ, पर वक्त है कि हमेशा मेरी और पीट कर कर खड़ा रहता है। अब तुम रहने दो, मैं ऐसे पहनूंगा ना। बस हो गया मेरे प्यारे जीजू। थैंक यू, तुम मुझे तो मैं पहन लेता हूँ। अरे अब इतना भी क्या फॉर्मल हो रहे हैं आप? आखिरकार मैं आपकी साली ही हूँ। लाइए मैं आपको शर्ट पहनाती हूँ। अरे हाथ दीजिए ना। वाओ, नाइस परफ्यूम। हाँ शेफाली ले नाश्ता कर ले। हाँ दीदी ना तुझे? हाँ दीदी जी, जो बटन तो खुद भी लगा सकते हो। अब दीदी मुझे लेट हो गया बहुत, अब मैं नाश्ता ना कैंटीन में ही कर लूंगी। ओके मैं चलती हूँ। जीजू आज रात भी आप मुझे पढ़ा दीजिएगा, एग्जाम्स मेरे करीब है ना। बाय दीदी। बाय जीजू। अजीब पागल लड़की है, नाश्ता किए बिना ही चली गई। अभी नाश्ता तुम कर लेना। हाँ। मैं आती हूँ। क्या हुआ? 2 दिन हो गए, तुम मेरे पास होकर भी मेरे पास नहीं हो। मैं देखा ना कि कैसे वो हसीना ने
अपने फटीचर पति के साथ पूरे घर पे कब्जा करके रखा है। मेरा तो खून उबल रहा है। तुम्हारी बहन की मेहरबानी, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि हसीना ने ऐसा क्या जादू किया है जो शिफाली उसकी तरफ है। कुछ तो बात है जो समझ में नहीं आ रही। एक बार चेतन भैया को इनके आने की खबर मिल जाए तो वो दूसरे ही दिन कनाडा से वापस आ जाएंगे इन दोनों को बाहर। ये भूल के भी नहीं कर, तुम्हें याद है ना शेफाली ने क्या कहा था? याद है। और मुझे ये भी बहुत अच्छी तरीके से याद है कि पापा के लाख मना करने के बाद भी हसीना उस फटीचर के साथ कोर्ट मैरिज करके आ गई। पापा की मौत की जिम्मेदार ना ये हसीना ही। एक फूटी कौड़ी इसे लेने नहीं दूंगा प्रॉपर्टी में से, तुम देख लेना। वो तो वो लेकर रहेगी क्योंकि कानून भी उसकी तरफ है और शेफाली भी। ऐसा होने से पहले मैं इन दोनों को मार दूं। सीना, तुम्हारी पढ़ाई के अलावा भी एक्स्ट्रा क्लासेस चल रही है, काफी मेहनत कर रहे हैं। सोचो जब मैं ये वीडियो तुम्हारी बहन को दिखाऊं तो उसे कितना अच्छा लगेगा, है ना? मैंने हसीना को कुछ मत बताना प्लीज। हाथ जोड़ने की कोई जरूरत नहीं, ये हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। तुम भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती क्योंकि मेरे पास सबूत के तौर पर ये वीडियो है। तुम्हारे पास क्या है? उस क्लिनिक का पता जहां से तुम अबॉर्शन पिल्स लेती। भैया तो यहाँ है नहीं, फिर तुम्हें अबॉर्शन पिल्स की क्या जरूरत पड़ती है? देखिए जो जैसा चल रहा है वैसा चलने दीजिए ना, मैं आपके रास्ते में आऊंगी और ना ही आप मेरे रास्ते में आएगी। अब जाइए, गौरव आपका इंतजार कर रहा होगा। चलो जाओ। माँ मुझे लगता है कि गौरव, कशिश भाभी और शेफाली मान ही जाएंगी, बस चेतन भैया से बात करना पड़ेगा और उन्हें मनाना पड़ेगा। एक बार हिस्सा मिल जाए ना मुझे तो एक प्राइवेट स्कूल खोलने का सोच रही। मैं चेतन को समझाने की कोशिश करती हूँ। हसीना मैं जा रहा हूँ। एक मिनट। अच्छा सुनो, ये कुछ सामान की लिस्ट है, आते वक्त ले आना। ठीक है। एक मिनट, मैं भी चल रही हूँ, मुझे भी कुछ सामान लेना है। अरे अभी अभी तो चुपचाप बैठी थी, ऐसी क्या जरूरत पड़ गई जाने की? मुझे कुछ सामान लेना है माँ। कोई जरूरत नहीं है तेरा जाना, नीचे बैठ। ये क्या बात हुई माँ, दीदी समझाओ ना माँ को। माँ जाने दीजिए ना, कुछ सामान लेना होगा। तू जा और सारा सामान ध्यान से लेके आना, ठीक है? ठीक है दीदी। अब चलिए जीजू, वरना माँ फिर से मना कर देगी। चलिए आइए। तुझे बात क्यों नहीं समझ में आ रही है? मना किया था ना मैंने उसे जाने से, क्यों जाने दिया? पर माँ अकेली थोड़ी ना गई है, अपने जीजा के साथ भी तो गई है। उसी का तो रोना है कि वो अपने जीजा के साथ गई है। क्या मतलब? तेरी आंखों पे पट्टी बंधी है बेटा, तेरा घर उजड़ रहा है, बचा ले उसे। माँ जो भी कहना है साफ साफ कहिए। शिफाली ने तुझे तेरी मोहब्बत के वजह से नहीं रोका है, उसने अखिलेश के चाहत के वजह से रोका है। मैंने अखिलेश को शेफाली के कमरे से आधी रात को बाहर निकलते हुए देखा, वो अपनी बटन ठीक कर रहा था। बेटा तू यहां से चली जा वरना तेरा घर उजड़ जाएगा। Thank you.
मुझे लगा कि तू हमदर्दी में मेरी मदद कर रही है, लेकिन तू, तेरी नजर तो मेरे पति अखिलेश पर थी। छी। अरे ये चिलम चाली किस चीज की हो रही है? ये शरीफों का घर है, झगड़ा करना है बाहर जाके करो। वाह गौरव वाह, तू मुझे तमीज सिखा रहा है। जब तू अपने ही बड़े भाई की बीवी के साथ अय्याशी कर रहा है, तब कहाँ चली जाती है तेरी तमीज? हाँ शिफाली, क्या बकी जा रही है तू? बड़े हैं ये तेरे से? कुछ लज्जा शर्म कुछ है तेरे में? शर्म है तभी चुप हूँ। मैंने खुद इन दोनों को अपनी आंखों से देखा है साथ में। अगर विश्वास नहीं होता तो पूछ लो अपनी बहू से, क्या इसका और गौरव का संबंध नहीं है? क्या इन दोनों का चक्कर नहीं चल रहा? बोलो भाभी, बोलो, चुप क्यों हो? हाँ, 2 साल से चेतन मेरे पास नहीं आया, ऐसे में हो गई मुझसे गलती। लेकिन तुम तो कंवारी थी ना, तुम्हें अपने ही बड़ी बहन के पति के साथ रंगरलिया मनाने में तुम्हें शर्म नहीं आई? हे भगवान, ये सब क्या चल रहा है, ये सब क्या सुन रही हूँ मैं? अगर ये सब चेतन को पता चला ना, वो हम सबको मार देगा। और तू, ये सब कुछ तेरे वजह से हो रहा है ना। तू यहाँ आती ना, तेरा पति तेरे साथ आता, और ना ये सब गड़बड़ होती। बर्बाद कर दिया तूने इस घर को, निकल जा मेरे घर से। वाह माँ वाह, सब घूम फिर के मेरे ऊपर ही इल्जाम डाल देते हैं आप लोग। मैं आज ही चेतन भैया से बात करूंगी, और वो जिस नरक में रह रहे हैं ना, मैं उस नरक में नहीं रहना चाहती। बस मुझे मेरा हिस्सा दो। तुझे तेरा हिस्सा मिल जाएगा, हम सब चेतन को समझाएंगे। और वैसे भी हम सब अगर राजी है तो अकेला चेतन कुछ नहीं कर सकेगा। ठीक है, आप मेरे सामने चेतन भैया को फोन लगाइए और उन्हें फौरन बुलाइए। लेकिन माँ, गौरव, मैं चेतन को फोन लगाऊंगी। माँ आपने आखिर ऐसा क्यों किया? आपको पता है ना, भैया आकर सबसे पहले एक ही चीज पूछेंगे कि हसीना और अखिलेश को एंट्री किसने दी। हसीना के देवर देखे थे तुम्हें? मैं फोन ना करती ना तो बवाल खड़ा कर देती वो। कुछ नहीं करती माँ, वो भैया तो उसका फोन भी रिसीव नहीं करते। क्या कर लेती वो, बताओ आप? अरे इतना भी बेवकूफ मत समझो उसे, उसे सब पता है। वो भैया को मैसेज करके सब कुछ बता देती। जो तो समझ में नहीं आ रहा कि अब क्या होगा। मेरे पास एक तरीका है हसीना को रास्ते से हटाने का। क्या? हाँ ये हो सकता है। भाभी के पास कुछ अबॉर्शन पिल्स हैं, अगर दीदी को वो दे दिया जाए तो उसका मिसकैरेज हो सकता है, और ज्यादा ब्लीडिंग के कारण उन्हें हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। और अगर उसी टैबलेट्स को ज्यादा मात्रा में दे दिया जाए तो शायद दीदी हॉस्पिटल से वापस भी ना आ पाए। ये सही नहीं है माँ। मैंने तो इस टूटते हुए घर को बचाने के लिए ये बात कही। अगर कहीं चेतन आ गए तो? अगर आपको बुरा लगा हो तो सॉरी माँ, हम ये बात यहीं भूल जाते हैं। सीना तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रही हो? तुम चलो यहां से, नहीं चाहिए हमें कोई हिस्सा विस्सा। इस हिस्से के चक्कर में मैं अपने बच्चे की जान दांव पे नहीं लगा सकता। सीना सीना प्लीज तुम चलो यहां से। क्या हो गया है तुम्हें? कैसे बातें कर रहे हो? मैं अपने कानों से सुन के आया हूँ हसीना, वो हमारे होने वाले बच्चे को गिराने की बात कर रहे हैं, तुम्हें जान से मारने का प्लान कर रहे हैं। ये क्या कह रहे हो तू? मैं अभी माँ से बात करती हूँ। माँ से? तुम्हारी माँ खुद इस प्लान में शामिल है। हसीना प्लीज तुम चलो यहाँ से, हमें यहाँ पे नहीं रुकना है। माँ, माँ इन सब में शामिल है? मेरा यकीन करो हसीना, मैं अपने होने वाले बच्चे की कसम खा के बोलता हूँ कि मैं अपने कानों से सुना है कि तुम्हारे घर वाले तुम्हें कुछ दवा खिलाने की साजिश कर रहे थे।
क्यों टेंशन में हो बेटा? ऐसी हालत में टेंशन नहीं लेते। तुम्हारे लिए बादाम का दूध लाई हूं, तुम्हारे बच्चे के लिए और तुम्हारे लिए बहुत अच्छा है। लो। ले लो। माँ मैं यहाँ से जा रही हूँ, अगर चेतन भैया को मेरा हिस्सा देना है तो मेरे घर पर आकर दे सकते हैं। क्या? क्या तुम सचमुच जा रही हो? हाँ माँ, मैंने फैसला कर लिया है, इसके बाद अब हम कभी नहीं मिलेंगे। बस एक बार चेतन भैया को देखना चाहती हूँ। चेतन को तो आने में वक्त लगेगा बेटा, कनाडा से आ रहा है, और वैसे भी वो तुम्हें यहाँ देखेगा तो बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। गुस्से वाला तो वो है ही, सब गलत हो जाएगा। माँ आप चिंता मत करो, मैं भैया को अपनी सूरत नहीं दिखाऊंगी, बस उसे दूर से ही देखकर चली जाऊंगी। जैसे तुम्हारी इच्छा। माँ ये दूध मुझे दे दीजिए, वो कहते हैं ना कि माँ के हाथ का जहर भी अमृत हो जाता है, और ये तो फिर भी दूध है। सॉरी माँ, वो स्लिप हो गया। कोई बात नहीं, जो होता है अच्छे के लिए होता है। माँ चेतन भैया आ गए ना, तो उसके आसपास मत जाना, गजब हो जाएगा। हाँ माँ आप चिंता मत कीजिए, मैं अभी देखकर आ रही हूँ। चेतन भैया, गौरव, शिफाली और कशिश भाभी के साथ बिजी है, मैं चली जाऊंगी। माँ जाने से पहले आप अपने हाथों की बनी चाय नहीं पिलाएंगी? हाँ जरूर, तू भी पीना, अखिलेश के लिए भी लेके जाना। और सुन, मैंने तेरे लिए ना कुछ पैसे और गहने निकाल के रखे, काम आ जाएंगे, ले जाना साथ में, मैं अभी निकाल के लेकर आती हूँ। ठीक है। संभालो इन्हें। मेरे पति, मेरे दोनों भाई, माँ, सबको खत्म कर दिया, सबको। किसने किया ये सब? आपने देखा कातिल को? मुझे नहीं पता। राजेश।
चेक करो सर। सर इसकी सांसें चल रही हैं। राजेश जल्दी से एम्बुलेंस बुलाओ, हमें इसे हर हाल में बचाना है। सर गो। सर प्लीज बचा लीजिए, ये मेरे पति हैं अखिलेश। जब ये कत्ल हो रहे थे तो आप कहाँ थे? सर रात में बहुत गर्मी थी, मैंने और अखिलेश ने डिसाइड किया कि हम छत पर सोएंगे। मैं अकेली चली गई पर काफी वक्त होने के बाद अखिलेश नहीं आया तो मैंने नीचे आकर देखा तो उन्होंने किसी ने मार दिया था। फिर मैं अपनी माँ के रूम में गई, वो भी मरी पड़ी हुई थी। मेरे भाई बहन कोई नहीं बचा। फिर मैं भागते हुए छत पर गई, मैंने बहुत हेल्प मांगी, बहुत आवाज लगाई, उसके बाद मैंने आपको फोन लगाया। आपको किसी पे शक है? कोई दुश्मन नहीं है हमारा। देखिए आप परेशान मत होइए, हम आपके पति को बचाने और कातिल को पकड़ने की पूरी कोशिश करें। राजेश सर, लास के पास जितने भी मोबाइल फोन हैं और बाकी चीजें उन सबको फॉरेंसिक जांच के लिए भेज दें। सर और हाँ, इस तरह के जितने भी कप्स हैं उन सबको भी। सर अरे अच्छा हुआ तुम ठीक होकर आ गए। अखिलेश तुम्हें पता है ये सरकार हमें 5 लाख रुपए दे रही है, ये तो सही हो गया ना, सारी की सारी मुसीबतें टल गई और ऊपर से पैसा ही पैसा। धीरे बोलो और इतनी खुशी मत दिखाओ, किसी ने सुन लिया ना तो हम पकड़े जाएंगे, हम पे शक हो जाएगा। शक तो मुझे पहले ही दिन हो गया था जब तुमने झूठा बयान दिया था। तुमने कहा था कि गर्मी होने की वजह से तुम छत पर सोने चली गई थी, जबकि कमरे में एसी और फैन दोनों चल रहे थे और छत पर कोई बिस्तर भी नहीं था। सर शायद आपको कोई गलतफहमी हो रही है। नहीं हसीना, मुझे कोई गलतफहमी नहीं है, मेरे पास सबूत है। मरने वाले सभी लोगों के पास मिस कॉल आया था और उसके बाद उनकी मौत हो गई थी। और तो और फॉरेंसिक रिपोर्ट में मरने वाले लोगों के सभी मोबाइल्स पे एक ही आदमी का फिंगरप्रिंट मिला है, यानी कि कातिल ने खुद मिस कॉल किया और फिर बाद में खुद उनको अपने हाथों से ही डिलीट किया। लेकिन मोबाइल ट्रेस से हमें कातिल का मोबाइल नंबर मिल गया है और फॉरेंसिक रिपोर्ट से उस आदमी का फिंगरप्रिंट, और ये दोनों ही चीज़ें तुम्हारी हैं। और कीपैड पर हमें फॉरेंसिक रिपोर्ट से अखिलेश का फिंगरप्रिंट, तुम दोनों इस कत्ल में शामिल। आप सब कुछ सच सच बता दो वरना हमारे पास और भी कई तरीके हैं सच जाने के। मैं उन्हें मारना नहीं चाहती थी, पर जब मेरी माँ ने मुझे वो दूध दिया। वो कहते हैं ना कि माँ के हाथ का जहर भी अमृत हो जाता है, और ये तो फिर भी दूध है। जब मैंने ये देखा कि मेरी माँ को ही मेरी परवाह नहीं है, तो मैंने एक फैसला लिया, जब किसी को मेरी परवाह नहीं है तो मैं किसी की परवाह क्यों करूं। और तब मैंने वो किया जो मुझे नहीं करना चाहिए था। इसीलिए फोरेंसिक रिपोर्ट में उन 5 कपों में नींद की गोलियां मिली और बाकी दोनों कप तुम दोनों के थे, जिसमें नशे की गोलियां नहीं थी। अब ये भी बता दो तुमने मिस कॉल क्यों किए थे? हम डर गए थे सर, हम ये जानना चाहते थे कि दवाई का असर हुआ या नहीं,
अगर नहीं होता तो वो लोग उठ के शोर मचा देते और हम हमारा प्लान फेल हो जाता। इसलिए कमरे में जाने के पहले हमने सबको फोन किया। ये काम मुझसे नहीं होगा, तुम ही करो। मैं यहाँ दरवाजे पे रुकता हूँ, कोई आएगा तो संभाल लूंगा। ये लो। बस अब एक आखिरी बार, बस एक हल्का सा वार तुम्हें अपने गले पर लेना पड़ेगा। इसकी क्या जरूरत है? जरूरत है, नहीं तो पुलिस वालों को शक हो जाएगा तुम पर और मुझ पर। चलो गर्दन ऊपर करो, भरोसा रखो। फैसला तो मैंने उसी वक्त कर लिया था कि अब मुझे सिर्फ मेरा हिस्सा नहीं, पूरी की पूरी प्रॉपर्टी चाहिए। लेकिन अगर चेतन भैया जिंदा रहते तो मुझे सिर्फ मेरा ही हिस्सा मिलता, और इसीलिए मैं चेतन भैया का वेट कर रही थी। हम मानते हैं कि तुम्हारे साथ जाती हूँ, लेकिन तुमने जो किया है वो तो किसी भी लिहाज से माफी के लायक नहीं है। ले चला इन दोनों को।